आज हमारे साथ एक भक्त मिले हैं जो मनीष कश्यप के बहुत बड़े फैन हैं और बागेश्वर धाम के फैन हैं, जो बंगाल से पैदल चलकर आ रहे हैं। मनीष कश्यप के लिए अनेकों दुआएं हो रही हैं और एक भक्त हैं जो पैदल बंगाल से चलकर केदारनाथ जा रहे हैं। मनीष कश्यप को बंगाल के भी लोग चाहने लग गए। हाँ हाँ, बहुत बहुत। सोचिए, बंगाल के लोग भी चाहने लग गए। ये हमें दरभंगा जिला में मिले हैं। जो अच्छा काम करेगा उसका सब कोई सपोर्ट करेगा। अब मनीष कश्यप भैया अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो समाज के लिए सोचते हैं, से पूरा भारत के लिए सोचते हैं। तो क्यों हम पूरा भारत के लिए सोचते हैं, तो क्यों हम सब सपोर्ट नहीं करेंगे? पीछे क्या लगा हमें, पर घूमिएगा पीछे दिखाइए। देखिए पीछे मनीष कश्यप जेल में बंद है और लिखे हुए मनीष कश्यप भैया को रिहा करो। और इधर भी कुछ फोटो, बागेश्वर धाम से भी मिल लिया। बागेश्वर बाबा गुरुजी से मिले हैं। एमपी गए थे? हाँ, एमपी पैदल ही गए थे, पैदल ही लगा था। अर्जी लगा साथ में फोटो खिंचाए हुए हैं मनीष कश्यप के। बाबा ने मुझे मेरा मोबाइल लेकर खुद से फोटो खींचा है। यानी भारत की आन बान शान तिरंगा को लिए हुए हैं। तिरंगा को लहराए हैं बाबा जी, गान किए हैं मेरा तिरंगा लेकर। बहुत बहुत अच्छा लगा बाबा से मिलकर। बहुत अच्छा लगा। तीन दिन बाबा थे दरबार में। अभी मनीष कश्यप के लिए आप केदारनाथ जा रहे हैं? हाँ, मनीष कश्यप भैया के लिए केदारनाथ जा रहे हैं। जल्दी भैया जेल से रहा हो, इसलिए इससे आगे बागेश्वर धाम किए थे तो भैया ने बिहार आए हैं। बहुत अच्छा लगा। और इस बार उसी लिए जल्दी जा रहे हैं, जो भोले बाबा के जल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सोच सकते हैं मनीष कश्यप के चाहने वाले पूरे भारत में हैं और ये बंगाल से मनीष कश्यप के लिए पैदल चल कर ये केदारनाथ जा रहे हैं। दरभंगा के रास्ते कुशेश्वर स्थान गए थे क्या? कहा? बाबा कुशेश्वर से मिले हैं। कुशेश्वर स्थान नहीं जा पाए अभी। आप किधर से आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं। इधर ही कुशेश्वर स्थान है, वहाँ भी जल चढ़ाया जाता है। नहीं, मिथिला का बाबा धाम कहा जाता है। हालांकि इनको जानकारी नहीं है, मिथिला के बाबा धाम से गुजर गए, इनको जानकारी न होने के कारण वहाँ ये जल नहीं चढ़ा पाए। अभी आप केदारनाथ जाइएगा जल चढ़ाने। मनीष कश्यप रिहा होगा कि नहीं? हाँ, एकदम होगा, जल्दी से जल्दी होगा भैया। छठ पूजा में हम सब छठ मनाएंगे, एक संग मिलकर छठ मनाएंगे। एकदम जल्दी से जल्दी भैया रिहा होंगे। तो क्या कहिएगा मनीष कश्यप के इस फैन को, जरूर कमेंट कीजिएगा। और बागेश्वर धाम सरकार से जब आप मिले, मनीष कश्यप के लिए कुछ अर्जी लगाए थे? हाँ, लगाए थे, जल्दी रहा होंगे, यही प्रार्थना है भगवान से भी। हुआ बाबा से भी प्रार्थना किए थे, भैया जल्दी रहा हो। जल्दी रहा। यानी बिहार के लोग जो मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहना चाहिएगा? सपोर्ट कीजिए, हम सब का भी साथ रहना है, सपोर्ट करना है। भैया को जेल से रिहा करवाना है, अभी हम सब का दायित्व बनता है, ये कर्तव्य है, जे भैया का रिहा करे। आप सबके लिए भैया सोचते हैं, आप भैया का भी विपद आया है, तो आप सबको एक साथ एकजुट होना है, यही बोलेंगे। यानी हमारे बिहार के पास थे माउंटेन मैन जो कहते थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बंगाल के पास कौन मैन है? बंगाल पास जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। देखिए बंगाल के पास है, जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। और इनकी खूबसूरती तो हमें बहुत अच्छी लगी, जो भारत के तिरंगा को, भारत का तिरंगा चांद पर फहरा दिया गया, भारत का तिरंगा तुर्की के माउंट अरारत पर फहरा दिया गया। आज ये पैदल यात्रा कर रहे हैं मनीष कश्यप के लिए कि मनीष कश्यप को रिहा किया जाए। मनीष कश्यप जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। एकदम जल्द से जल्द रिहा होंगे भैया, और हम सबके बीच में आएंगे, फिर से तहलका मचाएंगे। एकदम गरीबों की आवाज फिर से उठाएंगे। इस बार तो और ज्यादा उठाएंगे। तो क्या कहिएगा इस मनीष कश्यप के फैन को, क्या कहिएगा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस फैन को, जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी आप सीधा जाइएगा दरभंगा के रास्ते केदारनाथ। हाँ भैया, केदारनाथ जाएंगे। और जो भी बागेश्वर धाम को चाहने वाले हैं, उनके भक्त हैं, उनको क्या कहेंगे? वो भी कहेंगे जी, आप सब जरूर बागेश्वर धाम जाइए, बाबा से मिलिए, हुआ बाबा धाम पर जाइए, पूजा कीजिए, आप सबका मनोकामना पूर्ण होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस भक्त के लिए क्या कहेगा, और मनीष कश्यप के बहुत बड़े फैन हैं, भाई हैं, जो मनीष कश्यप की लड़ाई लड़ रहे हैं, मनीष कश्यप को रिहा करने के लिए ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। गए थे क्या इनके पास? हाँ, गए थे गुरुजी के पास, गए थे, दर्शन किए थे, आशीर्वाद दिए, मेरा परजी भी हुआ। मैं वहाँ 10-12 दिन था धाम पे थे। हाँ, तीन दिन मैं बाबा के। बंगाल से आपने यात्रा शुरू की, यात्रा बंगाल से शुरू करने के बाद कहाँ कहाँ गए? मैं पहला तो यात्रा की थी छोटा मोटा जगह पर, जैसे हुआ जे इटहर, रायगंज, उसका बाद हुआ जे सिलीगुड़ी, उसका बाद कालियागंज, उसके बाद कलकत्ता गया था दौड़कर 6 दिन में।
उसके बाद बागेश्वर धाम बाबा से मिलने गए थे, मिले बाबा, पर्ची निकाले, पर्ची निकाले। वाह, देखिए ये भक्त कितना खुश लग रहा है जो बागेश्वर धाम सरकार से मिलकर आए हैं और बहुत खुश हैं। और ये मनीष कश्यप का फोटो लगाए हुए हैं, मनीष कश्यप भैया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हाँ, मनीष कश्यप भैया देखिए, जो सबका साथ देता है उसका साथ देना चाहिए। मनीष कश्यप भैया ऐसे एक व्यक्ति है जो गरीब का बहुत साथ देता है। हम देखते हैं भैया को, हम अपना भैया मानते हैं, वो गरीबों के मसीहा है, भगवान है एक हिसाब से, जो मानता है, मैं मानता हूँ मेरे लिए भगवान है, एकदम मोहब्बत है दिल से मनीष कश्यप के लिए। वो भैया इतना इतना सबसे प्यार करते हैं, ऐसे वो जितना बोले उतना ही कम है। तो अभी भैया जेल में बंद है, वो सब जानते हैं, उसको फंसाया गया है वो, और क्या बोले सब। तो हम सब ये पहला यात्रा अपने लिए जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने गए, और दूसरी यात्रा तय किए हैं बंगाल से पैदल मनीष कश्यप के लिए। कहाँ तक जाइएगा? हम जाएंगे केदारनाथ, बाबा के जल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे मनीष कश्यप भैया जल्दी जेल से छूटे।